डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। पड़ाव क्षेत्र में लगातार लोडिंग टेम्पो से चोरी करने वाले आरोपियों को आज टेम्पो चालकों ने रंगे हाथों पकड़कर क्लॉक टावर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। टेम्पो चालकों ने बताया कि पिछले कई महीनों से जब वे पड़ाव से माल भरकर निकलते हैं तो रास्ते में यह चोर माल चोरी कर लेते हैं। पूर्व में भी इसकी शिकायत पुलिस को दी गई लेकिन यह पकड़ में नहीं आए। आज पड़ाव क्षेत्र से इनको मौके से पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। टेम्पो चालक बलवीर सिंह और दीपक साहू ने मामले की जानकारी देते हुए बताया। यहाँ से भरके पड़ाव से और रामनगर के लिए माल भरके रवाना हुआ था और आगरा गेट के करीब ये मेरे टेम्पो के ऊपर चढ़ गए और फिर जैसे ही मैंने किसी ने आवाज़ दी कि भाई पीछे चले को टेम्पो पर लटक गया है और उससे जाके मैंने पकड़ा और उससे मैंने दो तीन थप्पड़ भी मारी थी मगर किसी ने छुड़ा के इसको भगा दिया और फिर टेम्पो से मैं माल खाली करके और वापस पड़ाव आया तो मेरे को ये पड़ाव में दिख गए तो मैं इनको यहाँ थाने में लेके आया हूँ। सर इसमें हमने पहले भी हमने एप्लीकेशन दी थी फ्लावड़ा थाने में पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आज हमने टेम्पो वालों ने हमने सबने मिलकर पकड़ के लेके आए थाने में। साहब ये काफ़ी टाइम से चोरियां कर रहे हैं टेम्पो वाले के साथ, 15-20-25 टेम्पो वाले के साथ हादसा हो गया। इनकी तलाश में हम काफ़ी टाइम से हैं, एप्लीकेशन कलेक्टर और थाने में भी दी हमने और उसके बाद में इन पर निगरानी भी रखी है और एक दिन इसके पीछे भी करा था इसके साथ टेम्पो पर चढ़ते हुए लेकिन उतर के भग गया था। और आज दो जने थे, दो जने इन्होंने टेम्पो वाले के साथ फिर घटना करने की कोशिश करी और इनको आज फिर रंगे हाथों पकड़ा और टेम्पो वाले ने पकड़ के आज कलेक्टर और थाने में इनको बंद कराया।